कि सर्वनाम की महत्ता क्या होती है, सर्वनाम का उपयोग क्या होता है। फिर उसके बाद में हमने कहा कि सबसे पहले तो भाषा शैली जो है कि व्याकरण का मतलब ही यही होता है कि उसकी भाषा शैली जो है वो स्पष्ट होनी चाहिए ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए कि हम जो कर रहे हैं उसका सार विश्लेषण हमें आ जाए। उसके बाद में हमने सर्वनाम के भेद करे थे। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं जिसमें हमने सबको डिफाइन किया था, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक। तो एक बार हम छोटे तौर पर इसको देख लेते हैं कि हमने कैसे किया। जैसे पुरुषवाचक सर्वनाम है तो पुरुष आदि का जिसमें ज्ञान, जैसे कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। उसके बाद में हमने किया निश्चय सर्वनाम। निश्चय में हम लोगों ने क्या किया कि यह मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जो बात पक्की हो जाती है कि मुझे आज स्कूल जाना है, तो जाना मतलब जाना ही है, तो ये क्या हो गया निश्चय। देखूंगा कि आज जाता हूं या नहीं जाता हूं, तो ये क्या चीज हो गई, अनिश्चय। ठीक है। उसके बाद में हमने कहा प्रश्नवाचक, जिसमें मैंने आपको बताया WH वर्ड, कौन, कहां, कैसे, किसका, बाहर कोई खड़ा है, बाहर दरवाजे पर देखो कौन आया है, तो ये सब प्रश्नवाचक में बन गए। उसके बाद में हमने किया संबंधवाचक। संबंध जो एक दूसरे का सर्वनाम, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम के माध्यम से जो क्या करते हैं उसका सार विश्लेषण बताते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने, फिर लास्ट जो था हमारा वो था हमारा निजवाचक। अब निजवाचक क्या है? निजवाचक वह है जिसमें हम स्वयं के लिए कोई बात कर रहे हैं, जिसमें हमने अलग अलग भेद पढ़े थे, हमारा, अपना, उत्तम, उसके बाद में हमने ये उत्तम पुरुष मध्यम हो गया, निश्चय हमारा हो गया, अनिश्चय भी हमारा हो गया था, उसके बाद में प्रश्नवाचक हो गया, संबंध हो गया। तो आपको क्या करना है इसके अंदर कि इनकी परिभाषाओं को याद करना है और हमेशा ध्यान रखें कि अगर आपको एग्जाम्पल्स के लिए नहीं कहा जाता, जैसे मान लीजिए परिभाषा आ गई है कि आप निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा लिखिए। अब निजवाचक सर्वनाम की परिभाषा के साथ में अगर 100 उदाहरण नहीं दिया हुआ हो तो भी आपको एक उदाहरण देना होता है। उसके बाद में सर्वनाम शब्दों की रूप रचना। शब्दों की रूप रचना में आप एक सारणी तैयार कीजिए और उस सारणी को आप कारक के अनुसार तैयार करोगे। जैसे हम हिंदी में हमेशा करते हैं 6 कारक होते हैं, ठीक है, लास्ट जो होता है वो संबोधन होता है जिसे हम कारक की श्रेणी में नहीं लाते हैं, तो वही हमेशा हम पढ़ते हैं, कर्ता ने, कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए, अपादान, अलग होने के अर्थ में, है ना, और उसके बाद में संबंध, का, के, की, रा, रे, री, और अधिकरण, में, पे, पर, मुझे। तो ये हो गया हमारा कारक की जो हमारी सारणी होती है वह। अब यहाँ पर अलग अलग, जैसे मान लीजिए हमने पहले पढ़ा उत्तम पुरुष। आप कभी भी देखना जब हम बोलते हैं तो हमारी बोलचाल की जो हम आपस में जो बात करते हैं, संवाद करते हैं, वार्तालाप करते हैं, तो उसमें परिवर्तन होता है। जैसे हम दो जने बात कर रहे हैं तो दो जनों का अलग तरीका होगा बात करने का, हम एक ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं तो एक अलग तरीका होगा, तो उनमें जो शब्द आते हैं, जिन शब्दों का प्रयोग होता है वो भी अलग होता है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आज मैंने सर्वनाम उपविषय पढ़ाया, तो मैंने, अब मैंने मतलब मेरे लिए आ रहा है, तो ये एक वचन है। और फिर मैंने, आप लोगों ने कहा कि आज हम सब ने या हमने सर्वनाम का अध्ययन किया, तो हमने मतलब ये बहुवचन में आ गया, ठीक है। उसके बाद में मैंने आपको बताया जैसे कर्म है तो कर्म में मुझे, मुझको, हमें, हमको, करण में मुझसे, मेरे द्वारा, और उसके बाद में बहुवचन में हम क्या कर लेंगे, अब द्वारा है तो यहाँ तृतीय विभक्ति का प्रयोग हो रहा है। ये वही सर्वनाम की भी जो तालिका है वो वैसे ही बनती है जैसे हम लोग शब्द रूप में विभक्ति में इसका प्रयोग करते हैं। जैसे कर्ता ने, प्रथमा विभक्ति एक वचन, कर्म द्वितीय विभक्ति द्विवचन, तो इस प्रकार से सप्तमी विभक्ति तक हमारा कारक चिन्ह चलता है और जो संबोधन होता है वो हम विभक्ति में नहीं लेते हैं, ठीक है। तो अब जैसे अपादान, अपादान क्या होता है, मुझसे यह कार्य किया गया या मुझसे द्वारा गरीबों को दान दिया गया, तो मुझसे, और हम अगर इसको बहुवचन में लेंगे तो क्या बन जाएगा, हमसे, ठीक है। इसके बाद में संबंध, संबंध क्या होता है, रिलेशन, है ना, यह मेरा छोटा भाई है या राम का छोटा भाई लक्ष्मण है ना, राम जो है
सीता के पति हैं, तो ये क्या हो गया, संबंध बता दिया। तो मेरा, मेरे, मेरी, ये सब किस में आ जाते हैं, एक वचन में। और जब हम बहुवचन में इसका उपयोग करेंगे तो क्या बनेगा, हमारे, हमारे, हमारा, हमारी, इस प्रकार से। अब अधिकरण, अधिकरण क्या होता है, डिपेंड। जैसे कि मान लीजिए टेबल के ऊपर पुस्तक रखी है, ठीक है, मेज पर पुस्तक रखी है, या पेड़ के ऊपर कबूतर बैठा है, तो ये क्या हुआ, कबूतर जो है वो उसके बैठने का मतलब जो डिपेंड है वो किस पर है, पेड़ पर है ना। तो यहाँ पर अधिकरण आ गया। और अधिकरण क्या होता है, मुझ में, मुझ पर। और हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम पे, हम में, हम पर, ये सब हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में देखो जो हमारा बाद में आता है पुरुषवाचक, इसको हम वैसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर एक एक चीज को पढ़ा है। अब पुरुषवाचक मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष क्या होता है, मध्यम पुरुष तू, है ना। जैसे कि हम अगर हम इसको संस्कृत में लेते हैं तो क्या होता है, मध्यम पुरुष। मध्यम पुरुष का मतलब त्वम, त्वम माने सी, जिसमें सी का उपयोग होता है, पट सी, लिख सी, खेल सी, है ना, ये सब। तो देखो यहाँ पर अब हम मध्यम पुरुष लेंगे, तो मध्यम पुरुष में पहले तो इस बात को क्लियर कर लो कि जो है तू, तुम्हारा, तुझको, है ना, तुमको, तुमसे, तुम्हारे द्वारा। सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जैसे आप कारक से, कारक की जो सारणी बनाते हो उसमें आपको क्रमवाइज चलना है। जैसे करता है तो करता एक वचन होता है, हम स्वयं जो कार्य कर रहे हैं, तो दूसरे के लिए अगर हम कहेंगे तो क्या कहेंगे, तूने ये कार्य किया, है ना, तू बाजार जा, तू खाना लेकर के आ, तो ये तू मतलब एक वचन में आ गया। और इसी को हम अगर बहुवचन में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, तुमने, सबने किया, तुम यह जानते हो, ये सब। ऐसे ही कर्म में तो हमें विभक्ति की तरह लेना है, करण में, द्वारा, संप्रदान में, किसी को देने के अर्थ में, याच हम मान सकते हैं, अपादान में, अलग होने के अर्थ में, ठीक है, संबंध में, जो हम संबंध दर्शाते हैं, अभी पहले हमने एग्जाम्पल लिया, अधिकरण में, वही डिपेंड। बस आपको ध्यान रखना है कि हम कौन सा पुरुष पढ़ रहे हैं। तो हमने मध्यम पुरुष जैसे पुरुषवाचक में किया। अब जो अंतिम हमारा आता है वो है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष का मतलब क्या है, जो थर्ड पर्सन है, जो हमारे साथ नहीं है परंतु हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। जैसे मैं पढ़ा रही हूँ, बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे गांव से पढ़ रहे हैं, तो कुछ बच्चे जो है वो अन्य में आ गए। जैसे अभी हम पढ़ रहे हैं तो आपका नाम दिख रहा है, आप सामने हो, तो आप मध्यम पुरुष हो, पर जो दिखाई नहीं दे रहे हैं और हम उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, किसी थर्ड पर्सन के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो वो अन्य पुरुष में आ जाता है। और अन्य पुरुष मतलब वह, जैसे मैं बाजार गई, उसने मुझे कुछ सामान दिलाया, पर वो वहां पर आया ही नहीं, अब वो आया ही नहीं, ये कौन हो गया, ये थर्ड पर्सन हो गया। तो टेबल हमें वैसे ही बनानी है जैसे हमने उत्तम में और मध्यम में बनाई है, जैसे वह, उसने, वे, उन्होंने। जब हम थर्ड पर्सन की बात करते हैं तो क्या करते हैं कि उसके द्वारा यह बात गई, कही गई, उनके द्वारा यह कार्य किया गया, ठीक है, उसका तो कुछ पता ही नहीं है, उन लोगों को तो मैं जानती ही नहीं हूं, तो ये सब क्या है, थर्ड पर्सन के बारे में। तो ये हो गया हमारा पुरुषवाचक अन्य पुरुष। तो ये तीनों हमारी जो है पुरुषवाचक की सारणी बन गई है। अब देखिए यहाँ पर एक जो है इसी के साथ में एक प्लस हो जाता है, आप। आप किसके लिए होता है, जब हम किसी को आदर सूचक जो हमारे शब्द होते हैं वो आपके लिए होते हैं, तो इसमें भी हमें वैसे ही सारणी बनानी होती है एक वचन और बहुवचन में। जैसे मान लीजिए एक कोई है, करता अगर स्वयं है तो वो कहेगा आपने यह कार्य किया, आप सबने यह कार्य किया, आपके द्वारा यह कार्य किया गया, आपके लिए मैं बाजार जाता हूँ, आपके लिए मैं मिठाई लाता हूँ, आपसे तो कुछ भी नहीं होगा। ये सब क्या चीजें हैं, ये सब हमारे आदर सूचक शब्द होते हैं जिसमें हम आपका प्रयोग करते हैं। इसमें जो आपकी सारणी बनेगी वो वैसे ही बनेगी विभक्ति के अनुसार, ठीक है, सारणी जो है वो हमारी विभक्ति के अनुसार ही बनेगी, जैसे हमने पहले मध्यम में, उत्तम में और अन्य में बनाई है। अब देखिए निश्चयवाचक, ये निश्चयवाचक किसके लिए है, निश्चयवाचक मतलब यह चीज, निश्चय में हम क्या करते हैं, यह पुस्तक मेरी है, यह मेरे पापा है, यह मेरी मम्मी है, तो ये क्या, ये निश्चय है ना, हम ऐसे तो नहीं कह रहे, तो निश्चय का मतलब ये हुआ कोई बात जो पर्टिकुलर है ही है, ठीक है। तो यह वर्ड जो है हम प्रयोग करते हैं निश्चय में। टेबल हमको वैसे ही बनानी है, कर्ता, अगर कर्ता को लेंगे
तो यह है, इसने, एक वचन में, और अगर बहुवचन मिलेंगे तो ये, इन्होंने, कर्म मिलेंगे तो इसे, इसको। मतलब यहाँ पर यह बात स्पष्ट होती है कि जो हम हमारे दैनिक जो क्रियाएं होती हैं, दैनिक जो हमारी वार्तालाप होती है, जो दैनिक हम आपस में एक दूसरे से संवाद करते हैं, उसी से हमें शब्दों के बारे में जो है ज्ञान हो जाता है। जैसे कि निश्चयवाचक में आप बाहर गली में खेल रहे हैं और आपके पास में आपका बैट है, तो आप क्या कहोगे, यह बैट मेरा ही है। तो वहां पे मेरा ही है कहने की जरूरत ही नहीं है, आप क्या कहोगे, यह बैट मेरा है। मेरा है मतलब कि यह बात निश्चित हो चुकी है, ठीक है। जैसे संप्रदान में, इसके लिए मैं यह लाया हूं, ठीक है। संप्रदान का मतलब किसी को देना है ना, देने के अर्थ में हम चतुर्थी विभक्ति का जिसमें प्रयोग किया जाता है, देने के अर्थ में इसके लिए लाया हूं, इसको यह देना है, ठीक है। और बहुवचन में क्या आ जाएगा, इन्हें, इनके, इनको, इनसे। मतलब बहुवचन में आप लोग यह ध्यान रखें कि बहुवचन ज्यादातर जो है वो आदर सूचक ही आता है। और जहां पर बहुत सारी चीजें हमें, जैसे मान लीजिए हम बाहर आए अपने दोस्तों के साथ में, हम खेल रहे हैं और हमें टॉफी देनी है, मान लीजिए हमें चॉकलेट मारनी है, तो हम क्या कहेंगे, अगर एक के लिए लाए हैं तो क्या कहेंगे, मैं इसके लिए लाया हूं। तो इसके लिए मतलब जो आपका पक्का मित्र है उसके लिए लाए हो, और पूरे ग्रुप के लिए लाए हो तो क्या कहोगे आप, मैं इनके लिए लाया हूँ। इनके लिए मतलब सबके लिए हो गई है, ठीक है। तो आपको टेबल इसी में बना करके चलना है। उसके बाद में देखो अनिश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक में क्या होता है, अनिश्चयवाचक में जो निश्चय नहीं है, ठीक है, और निश्चय क्या नहीं है, वही मैंने आपको बताया था, अपोजिट हो जाएगा उसका। अपोजिट कैसे हो जाएगा, जैसे मैं, कोई, किसी ने, किसी को, किसी के द्वारा, किन्हीं से, किसी से। तो ये जो पूरी टेबल है इसको आपको याद करना है। अब अनिश्चयवाचक के बाद में हमने पढ़ा था संबंधवाचक। संबंधवाचक क्या है, जो एक दूसरे का रिलेशन बताते हैं। जब हम साधारण बोलचाल में, साधारण किसी वार्तालाप या संवाद में इन सब बातों को करते हैं, तो ये जो शब्द होते हैं वो अपने आप ही हमारे मुख से प्रस्फुटित हो जाते हैं। आप देखो कभी भी आपने बोला, मान लीजिए आपके पापा कोई चीज आपके लिए ड्रेस लेके आए हैं, ओके, तो आप कहोगे कि मैं इसके लिए लाया हूं। तो इसके लिए लाया हूं मतलब इसके लिए एक ही बंदा है, ठीक है, मैं इन सबके लिए लाया हूं। तो ये तो बहुत सारे जने हो गए घर में, जितने भी भाई बहन है सबके लिए लाया हूं। और पर्टिकुलर हम किसी का नाम लेकर बोलेंगे तो क्या होगा, जब हम पर्टिकुलर किसी का नाम लेके बोलते हैं तो वो निश्चित बात हो जाती है, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे करता, तो जो, जिसने, बहुवचन में क्या बन जाएगा, जो, जिन्होंने। उसके बाद में कर्म में जिसे, जिसको। संप्रदान में जिसको, जिसके लिए। अब इसका बहुवचन बनाओ, जिसको, जिसको का बहुवचन क्या बन गया, जिनको, और जिसके लिए, जिनके लिए। तो ये हम जो है हमारी दैनिक बोलचाल भाषा में भी जो है काम में लेते हैं, तो हमें ये शब्द जो है वो समझ में आ जाते हैं, है ना। अब संबंध में, जैसे संबंध क्या होता है, मैं जिसका, मैं जिसके, मैं जिसकी, मैं जिनका, मैं जिनके, मैं जिनकी। तो जब हम ये हम बोलते हैं तो हम समझ जाते हैं। अब आपको क्या करना है, जब भी आप सर्वनाम को आपको याद करना है तो आप क्या करोगे, अभी 2-3 दिन घर में ट्राई करो, आप बोलो, फिर आपको पता लगेगा कि हाँ ये जो है संबंध में आ रहा है, ये अनिश्चय में आ रहा है, ये निश्चित में आ रहा है, ठीक है। जैसे क्लास, मान लो क्लास हो रही है, आप कहोगे कि पता नहीं आज हिंदी की क्लास है या नहीं है, तो ये बात होगी अनिश्चय। फिर आप कहोगे कि नहीं आज तो हिंदी की क्लास है, तो ये हो गई निश्चय, ठीक है। तो इस प्रकार से हम अपने ही दैनिक क्रियाकलापों में अपनी चीजों को सीख सकते हैं। अब लास्ट जो हमारा है वो प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में आपको पता है कि हमें WH वर्ड्स का ध्यान रखना होता है, कौन, किसने, किसको, किसके द्वारा, किसे, किसके लिए, किससे। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि आप लोग जब इसकी सारणी तालिका बनाते हो तो आप पूरे कारक को ले लीजिए। जब आप कारक को लोगे और कारक को अलग अलग डिफाइन कीजिए, जैसे कर्ता कौन, किसने, कर्ता कौन होता है। जैसे आप किसी से पूछो कि यह कार्य किसने किया, तो आपको पता है इस पूरे वाक्य में किसने कर्ता के लिए आ गया, ठीक है। अगर यही बात हम बहुवचन में पूछते हैं तो बहुवचन में क्या कहेंगे, यह किन्होंने किया, या कौन कर रहा है ऐसा, कौन कर रहा है ऐसा, तो ये भी बहुवचन में आ गया। अब आप करण में, किसी के द्वारा, करण क्या होता है, किसी के द्वारा,
तो किसके द्वारा किया गया, किससे किया गया। अब इसको बहुवचन में लेंगे तो बहुवचन में कैसे लेंगे हम, बहुवचन में लेंगे कि यह कार्य किनके द्वारा किया गया, किनके द्वारा किया गया, तो यहाँ पर ये क्या आ गया, किनके मतलब बहुत सारे जने हो गए, ठीक है, तो बहुवचन में ये आ गया। संप्रदान, संप्रदान में क्या होता है, बस आपको तो इतना सा याद रखना है, कर्ता स्वयं होता है, कर्म किस दूसरे के लिए करना, करण जिसे हम कह सकते हैं कि डिपेंड होता है, ठीक है, जैसे पेन के द्वारा लिखा गया, लिखने की तो क्रिया हो रही है परंतु वो लिखने की जो क्रिया है वो किसके द्वारा हुई है, वो कलम के द्वारा हुई है, ठीक है, तो यहाँ पे करण वह हो गया। संप्रदान, दान आदि देना, गरीब को, राजा ने गरीब को वस्त्र दिए, ठीक है, सिर्फ दान का मतलब ये नहीं है कि हम पर्टिकुलर गरीब को भीख दी, राजा ने वस्त्र दिए, दान का मतलब यहाँ पे किसी को भी किसी चीज को देना, जैसे मान लो अध्यापिका ने छात्रों को पुस्तक दी, अब अध्यापिका ने क्या कार्य किया, देने का कार्य किया, तो मतलब दा धातु के अर्थ में जो है वो संप्रदान कारक आता है, चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। अपादान कारक, अपादान क्या होता है, अलग होने के अर्थ में, है ना, किसी से, जैसे किन से यह कार्य किया गया, मतलब यह कार्य किया गया तो कार्य करके वो अलग हो चुका है, ठीक है, जैसे हम हिंदी में बनाते हैं मैं जयपुर से कल आया, है ना, अगर अभी प्रश्न करो आप कि आप जयपुर से कब आए तो कहोगे मैं जयपुर से कल आया, तो जयपुर से जो है वो कल अलग हो गया, तो ये अपादान कारक हो गया, से अलग होने के अर्थ में। अब आओ संबंध में, संबंध काके की रारे री, वही चीज है, किसका, किसकी, किसके, है ना, ये किसका भाई है, ये किसकी मम्मी है, है ना, ये कई बार कोई बच्चा घूम जाता है मेले के अंदर तो अपन क्या कहते हैं, ये किस अनाउंसमेंट होता है ना कि ये किसका बच्चा है, तो ये सब चीजें जो है वो संबंध में, मतलब वो बच्चा किसी ना किसी से रिलेशन उसका बताया जा रहा है, तो ये हो गया हमारा संबंध कारक। अधिकरण कारक में किसी, जैसे छत पर खड़ा है तो कहाँ पर खड़ा है, छत पर खड़ा है, तो ये अधिकरण हो गया। इसमें आप एकवचन में बनाओगे तो किस में, किस पर, है ना, और अगर बहुवचन में बनाओगे तो किन में और किन पर, तो ये हो गए हमारे सर्वनाम। आपको सर्वनाम में, सर्वनाम क्या, सर्वनाम की परिभाषा याद करनी है, उसके बाद में आपको सर्वनाम के भेद याद करने हैं, उसके बाद आपको सर्वनाम के भेदों के नाम याद करके आपको सर्वनाम के भेदों की परिभाषाएं याद करनी है। अगर प्रश्न बनता है कि 100 उदाहरण दीजिए तो आप लोग उदाहरण दिया हुआ है प्रश्न में तो आपको उदाहरण करना ही, अगर प्रश्न नहीं बनता फिर भी आपको एक एग्जाम्पल देना होता है समझाने के लिए। उसके बाद में आप लोगों को क्या करना है, शब्द रूप, इसकी जो रचना हमने बताई, रूप रचना, अगर आपके प्रश्न आता है कि सर्वनाम की क्या रूप रचना होती है, तो आप कारक की दृष्टि से एक तालिका बना करके उसको समझाओगे। और प्रश्न यह भी बन सकता है कि कर्म में एक वचन किसे किसको होता है, तो कौन से सर्वनाम में आता है किसे और किसको, तो आपको ये पूरी तालिका जो है वो याद रखनी है कि किसे और किसको जो है वो प्रश्नवाचक में आता है। ये प्रश्न जो है वो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में अपने आते हैं। तो कारक जो है वो हमारा पूर्ण हो गया है। हम अब ये आप लोग को अगर पूर्ण रूप से, मतलब अगर बड़े स्तर पे परिभाषाएं याद नहीं होती है तो कुछ नियम जो हमें नीचे शिक्षा निर्देश में दिए होते हैं आप उस छोटी परिभाषा को भी याद कर सकते हैं, क्योंकि वो भी जो है आपका ये एक टॉपिक का जो है हिस्सा है। जैसे देखो, सबसे पहले शॉर्ट रूप में अपन याद करेंगे, सर्वनाम की सभी विभक्तियां शब्दों से मिलाकर लिखी जाती है, शब्दों से मिलाकर, अगर आप शब्द के बिना लिखोगे तो उसका कोई अस्तित्व ही नहीं होगा। मान लीजिए मैंने बोला मैंने, अब सिर्फ मैंने बोल करके उसकी स्वतंत्रता हो गई, वो स्वतंत्र नहीं हुआ, अभी मुझे क्या करना पड़ेगा, पूरा वाक्य बोलना पड़ेगा, विभक्ति लगानी पड़ेगी, ठीक है, तब ये बनेगा। तो मैंने, मुझसे, उसको, उनसे, ये सब चीजें। उसके बाद में मैं, हम और तुम के साथ में क्या लगता है, काके की, जब हम शब्द बनाते हैं तो अपने आप ही हमारी जीवा पर वो शब्द जो है प्रस्फुटित होने लग जाते हैं, अगर हमने अच्छे से पढ़ा हो तो उसको, ठीक है। थर्ड जो इसका पॉइंट बनता है वो है आदर सूचक संज्ञा शब्दों के लिए सर्वनाम भी आदर सूचक बहुवचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। ऐसे नहीं है कि आप बोल तो रहे हैं आदर सूचक शब्द परंतु आप जो वाक्य को बोल रहे हैं वो आपका आदर सूचक नहीं है, तो अगर आप बहुवचन में बोल रहे हैं तो आपका आदर सूचक शब्द भी क्या होगा, बहुवचन ही होगा।
ठीक है, तो ये तीन नियम हो गए। उसके बाद में चौथा नियम देखो, अधिकार अथवा बड़प्पन प्रकट करने के लिए मैं की बजाय हम का प्रयोग होने लगा है, बड़प्पन। अब वो पहले जब हम पढ़ते थे तो हम हमेशा, अभी भी हमारे दिमाग में यही चीज है कि हम का मतलब होता है हम, मतलब बहुवचन में इसका प्रयोग हो रहा है। जैसे हमने ज्यादातर तो जो एरियाज जैसे यूपी बिहार में तो हम ही बोलते हैं, इस वर्ड को यूज ही करते हैं, परंतु हम लोग हमको क्या समझते हैं कि बहुवचन में ये प्रयोग होता है, परंतु यहाँ पे किसी पे अधिकार और बड़प्पन प्रकट करने के लिए हम का प्रयोग होने लगा है। जैसे कई लोग कई बार कहते हैं ना, आपने इतनी देर तक समझाया पर हमारी समझ में आपकी बात नहीं आई, तो ये बात क्या हुई हमारी समझ में। अब हम लोगों को तो इस वाक्य को पढ़कर लग रहा है कि हमारी मतलब बहुत सारे जने हैं, परंतु यहाँ पर आपने, आपने मतलब बहुवचन हुआ और हमने भी यहाँ पर बहुवचन का ही प्रयोग किया गया। मतलब अगर आप आदर सूचक संज्ञा शब्दों को सर्वनाम में प्रयुक्त करते हैं तो आपको वाक्य भी बहुवचन में ही प्रयुक्त करना होगा। ठीक है, गुरु जी शिष्य के नाते हमारा भी आपके प्रति कुछ कर्तव्य है। अभी हमारे दिमाग में क्या आ रहा है कि हमारा भी कर्तव्य है, मतलब हम सब यही सोच रहे हैं कि हमारा मतलब बहुत सारे जने हैं, परंतु अब क्या होता है कि जब आपके एग्जाम में ये प्रश्न बनता है तो और वहां पर ये पूछ लिया जाता है कि ये बहुवचन में है या एक वचन में, तो आप लोग क्या करते हो उसको बहुवचन में लिख दोगे। परंतु अब इस नियम को हमें ध्यान रखना है कि अधिकार और बड़प्पन प्रकट करने के लिए मैं की बजाय हम का प्रयोग होने लगा है। ठीक है, अब इसका पांचवा नियम जो है वो क्या है कि जिस प्रकार मैं के स्थान पर हम का प्रयोग किया जाने लगा, ठीक उसी प्रकार से बहुवचन के रूप में हम की जगह हम लोग या हम सबका प्रयोग किया जाने लगा है। तुम के बहुवचन के रूप में तुम सब या तुम लोग का प्रयोग किया जाने लगा है। कहते हैं ना कि तुम तो हम एक वचन में मानते हैं, परंतु तुम सब या तुम लोग जो है वो बहुवचन के रूप में हम मानेंगे। ठीक है, इसका नियम नंबर 7 देखिए कि कोई और कुछ के बहुवचन है किन्हीं और कुछ। कोई और किन्हीं का प्रयोग प्राणियों के लिए किया जाता है तथा कुछ का प्रयोग निर्जीव वस्तुओं के लिए, सजीव और निर्जीव। ठीक है, जैसे कीड़े मकोड़े कुत्ते बिल्ली आदि प्राणियों के लिए भी कुछ का प्रयोग किया जाता है। नियम नंबर 8 देखो कि क्या का प्रयोग सजीव और निर्जीव दोनों के लिए ही होता है। तो ये जो हमने नियम पढ़े हैं, ये आप ये मान लीजिए कि पूरे पाठ का सार विश्लेषण यहाँ आ गया है। अगर आप डिटेल में पढ़ते हैं तो आपको और अच्छे से याद होता है, परंतु जब आपका मूल्यांकन किया जाता है तो आप ये पॉइंट्स की जो है हेल्प लेकर के इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं ताकि आपको थोड़ी आसानी रहती है। अब देखो, संज्ञा शब्द जो है वो लिंग के अनुसार बदलते हैं पर सर्वनाम शब्द नहीं। क्लियर है ये बात कि संज्ञा शब्द लिंग के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे लड़का लड़की, तो जब हम वाक्य बनाते हैं तो हम क्या बनाते हैं, ऐसे तो नहीं कहते लड़की दौड़ रहा है, ठीक है, लड़का दौड़ रही है। अपने आप से ही वो वाक्य जो है हमें पता लग जाता है कि अशुद्ध है। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है, जब भी आप सर्वनाम करेंगे तो संज्ञा शब्द लिंग के अनुसार बदल जाते हैं पर सर्वनाम शब्द नहीं बदलते हैं। जैसे लड़की दौड़ रही है, और अगर हम इसको सर्वनाम में बनाते हैं तो क्या बनता है, वह दौड़ रही है। तो यहाँ पर हमने सर्वनाम के शब्द को चेंज नहीं किया है, ठीक है, वह दौड़ रही है। अब हम अपने वाक्य से ही पहचान कर सकते हैं कि यहाँ पर लिंग कौन सा है। वह दौड़ रही है स्त्रीलिंग है, वह दौड़ रहा है पुल्लिंग है। तो इस जो वाला जो ये वाला जो पॉइंट है इसको आपको याद रखना है कि संज्ञा शब्द लिंग के अनुसार बदल जाते हैं पर सर्वनाम शब्द नहीं, क्योंकि ये हमारा एक प्रश्न बनता है। कई बार क्या होता है हमें ऐसे दे देते हैं कि वह दौड़ रही है, वह दौड़ रहा है, प्रस्तुत वाक्य में संज्ञा शब्द बताइए। अब आप इसमें संज्ञा शब्द क्या करेंगे, आप सेंटेंस को तो नहीं ले सकते ना कि हम वाक्य ले रहे हैं तो ये स्त्रीलिंग है और ये पुल्लिंग है। तो आपको वहां पर कहना है कि सर्वनाम शब्द जो है वो परिवर्तित नहीं होते हैं, मतलब सर्वनाम का जो वर्ड होता है वो परिवर्तित नहीं होता। समझ में आ गया ये पॉइंट। आगे देखो, प्राय सभी सर्वनाम शब्दों के साथ ही जोड़ा जा सकता है तब विभक्ति या परसर्ग अलग लगते हैं। प्राय सभी सर्वनाम शब्दों के साथ ही जोड़ा जा सकता है, तो अब सर्वनाम शब्दों को किसके साथ जोड़ना होता है, सर्वनाम शब्दों को हम किसी विभक्ति
या किसी पर्सन के। विभक्ति तो जरूरी होगी क्योंकि हमने अभी कारक पढ़े हैं, और कारक हम बिना विभक्ति के कर ही नहीं सकते हैं, ठीक है। हमें सातों की सातों विभक्तियां जो है वो लेनी पड़ेगी, ठीक है। तो ये तो बात हमारे पहले से ही समझ में आ गई है कि सर्वनाम जो शब्द है उसको विभक्ति के साथ या परसक के साथ अलग लगाते हैं, उसका रूप ही उसी के साथ में बनता है। जैसे सभी ने खाना खा लिया, अभी तो मैं आया हूं, उसी को जाकर के दे दो, किसी ने कुछ कहा क्यों नहीं। तो अब आप देख लो यहाँ पर हमने जो वर्ड्स लिए, हमने शब्द जो लिए हैं, वहां पर अगर हम कोशिश भी करते हैं तो भी हमारा विभक्ति के बिना शब्द नहीं बनेगा। तो इस चीज को भी ये जो दोनों पॉइंट्स हैं आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा आज का सर्वनाम है ये कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद में जो इसके प्रश्न उत्तर है, जैसे कि सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम किसे कहते हैं, तो अब मेरे ख्याल से इसको बताने की जरूरत नहीं है कि सर्वनाम की परिभाषा क्या होती है। हमने इतना पढ़ लिया है कि सर्वनाम किसे कहते हैं, इस बात को हमेशा ध्यान रखना। उदाहरण सहित प्रश्न में आए या ना आए, पर आपको समझाने के तौर पर एक एग्जाम्पल जरूर देना है, ठीक है। और जैसे प्रश्न बना, सर्वनाम और संज्ञा का आपस में परस्पर क्या संबंध है, उदाहरण देते हुए समझाइए। तो क्या संबंध होता है, अब आप संबंध बताने के लिए क्या करोगे, पहले आप सर्वनाम की परिभाषा लिखोगे, उसका एक एग्जाम्पल दोगे, उसके बाद में आप संज्ञा की परिभाषा लिखोगे और उसका एक एग्जाम्पल दोगे। जब हमें किसी चीज को डिफाइन करना होता है ना, तो हम क्या करते हैं, अगर हमें दो चार पॉइंट्स पूछते हैं तब तो हम पॉइंट्स में लिखते हैं, वरना हमें क्या करना होता है, हम उनकी परिभाषा लिख करके उनका एक एक उदाहरण दे देते हैं ताकि वो अपने आप से स्पष्ट हो जाती है, ठीक है। मान लीजिए एक प्रश्न बनता है, अच्छी और शुद्ध भाषा के लिए सर्वनाम के महत्व पर उदाहरण सहित प्रकाश डालिए। तो हमने शुरू में ही यह पढ़ लिया था कि सर्वनाम का क्या महत्व है, उसकी क्या उपयोगिता है, उसमें से आप पॉइंट्स लीजिए और उसके जो है पॉइंट्स को कर दीजिए, ताकि आपको क्या होगा इसमें। इसीलिए मैं ये बात आपको बार बार समझाती हूँ कि जब भी आप कोई चैप्टर पढ़ते हो उसमें प्रश्न क्या बनते हैं, दिमाग में हमेशा ये चीज रखनी चाहिए कि प्रश्न क्या बन रहे हैं, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो मूल्यांकन के लिए पढ़ रहे हैं, और मूल्यांकन कैसे होता है, हमारे प्रश्नों से हमारा मूल्यांकन होता है। तो आप लोग उसको ध्यान रखोगे कि प्रश्न क्या है। अभी जैसे एक प्रश्न आ गया हमारे सामने कि अच्छी और शुद्ध भाषा के लिए सर्वनाम के महत्व पर उदाहरण सहित प्रकाश डालिए। तो हमने ये पढ़ा था कि जो है उसका महत्व क्या होता है, उसकी उपयोगिता क्या होती है, ठीक है। तो आप उस डिटेल्स में से पॉइंट्स निकाल करके उसको समझा दोगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जैसे क्या और कुछ को सर्वनाम के रूप में प्रयोग कीजिए। तो सर्वनाम स्वतंत्र तो है ही नहीं, उसको हमें विभक्ति के साथ ही प्रयोग करना है। बस आपको ध्यान रखना है कि क्या और कुछ किसके भेद में आ रहा है, प्रश्नवाचक में आ रहा है, अनिश्चय में आ रहा है, निश्चय में आ रहा है, जो भी हमने भेद पढ़े हैं उनको ध्यान रख करके आपको करना है। एक प्रश्न बनता है कि निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक, इन दोनों का उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो वहां पर भी यही चीज करनी है, निश्चयवाचक की परिभाषा लिखो, अनिश्चयवाचक की परिभाषा लिखो और एक एक उसका एग्जाम्पल दे दो ताकि वो समझ में आ जाए। अब बचते हैं इसके सर्वनामों के भेद, जो आपके ऑब्जेक्टिव जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है वो आपको पीडीएफ के माध्यम से समझाएंगे, क्योंकि वो हमने पूरा चैप्टर पढ़ लिया है, हमको समझ में आ गया है कि किस प्रकार से हमें जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को करना है,